बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं चैनल चटपटे खाने, और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक फ़ेमस और टेस्टी कढ़ाई, और वो कढ़ाई है पिशावरी कढ़ाई। आइए देखते हैं ये कैसे बनती है। आइए पिशावरी कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। 1.5 किलो हम मटन ले लेंगे, 1 किलो हम टमाटर ले लेंगे, 2 टीस्पून हम लहसुन का पेस्ट ले लेंगे, 2 टीस्पून हम धनिया पाउडर ले लेंगे, 2 टीस्पून हम काली मिर्च ले लेंगे, 1 टेबलस्पून हम नमक ले लेंगे, 1/2 टीस्पून हम हल्दी ले लेंगे, 1/2 कप हम ऑयल ले लेंगे। प्रेशर कुकर में हम मटन डाल लेंगे, पहले टमाटर को हम कट कर लेंगे, टमाटर को कट करने के बाद हम इसको प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसमें लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले डाल लेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो और न्यू रेसिपीज आप तक पहुंच सके। लहसुन का पेस्ट और सब मसाले डालने के बाद हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। हमने पानी इसमें इसलिए 1 कप डाला है क्योंकि टमाटर और गोश्त दोनों अपना पानी छोड़ते हैं, उसी में ही गोश्त गल जाता है। प्रेशर कुकर को मीडियम फ्लेम पे रख के हम इसको 15 मिनट तक प्रेशर दे देंगे। पंद्रह मिनट के प्रेशर देने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, मैंने प्रेशर कुकर में इसलिए बनाया क्योंकि इसमें जल्दी बन जाता है। अगर आप कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब हम इस गोश्त को एक कढ़ाई में डालेंगे और उसमें ऑयल भी डाल लेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च डालने के बाद हम इसको पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। जब इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए तब हम इसमें सब्ज़ मिर्च डाल लेंगे, और सब्ज़ मिर्च डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ मिर्ची डालने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे मज़ीद 5 मिनट तक भूनेंगे। पाँच मिनट के भूनने के बाद आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई तैयार है। अब हम इसको एक छोटी सी कढ़ाई में निकाल लेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारी टेस्टी और मज़ेदार सी पिशावरी कढ़ाई तैयार है। मैंने इसे बहुत ही आसान रेसिपी से बनाया है और बहुत ही जल्दी बनाया है। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।